सर, पल्टन बाजार का भगवाकरण कर दिया गया है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं और इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? देखिए, देवभूमि की पवित्रता, देवभूमि में जब व्यक्ति आता है तो एक भाव से आता है कि देवभूमि में चार धाम की यात्रा के लिए वो व्यक्ति आ रहा है, तो उसको बाजार में भी ऐसा महसूस देना चाहिए कि वास्तव में जो बाजार का रंग है उस पर, देखिए रंग से एक महत्व बहुत बड़ा है। भारत के तिरंगे में भी सबसे पहला रंग केसरिया ही है। केसरिया इस सनातन संस्कृति के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब मुगल आक्रमणकारी भारत में प्रवेश किया उन्होंने तो केसरिया पहनकर लोगों ने संघर्ष किया, और साधु संतों का रंग भी यही है, बौद्ध भिक्षुकों का रंग भी यही है, तो केसरिया की मानता इस सनातन संस्कृति के लिए बहुत अद्भुत है। और जब बाजार के दुकानदारों के सामने रंग का चयन रखा गया तो उस चयन में सबसे सर्वाधिक जो चयन करने के लिए लोगों की वोटिंग थी तो भगवा पर थी, तो भगवा ही रंग बना। कितने रंग दिए गए थे चयन करने के लिए? चयन करने के लिए देखिए ऑप्शन क्या, उन्होंने बाजार के व्यापारियों से पूछा भाई क्या कलर रखना चाहिए, सबका एक सुर में भगवा ही था। क्योंकि देखिए लोगों का देवभूमि के प्रति जो एक नजरिया है, जो एक विचारधारा है, वो दिखनी चाहिए कहीं ना कहीं व्यापार में भी। और देखिए ओजस्व का प्रतीक है, तेजस्व का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है केसरिया। और बाजार में देखिए कभी मंदा भी रहता है तो उसमें व्यापारी को साहस भी चाहिए, तो केसरिया रंग उसको साहस भी देता है। तो ऐसे में ये भी तो एक तरफ देखा जाना चाहिए कि जैसे कि भगवा रंग का यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन कुछ खास समुदाय के लोग हैं जो अलग सनातन धर्म से नहीं है, तो उनको कोई आपत्ति नहीं है? तो 99% जो है इस मार्केट में हिंदू समुदाय का मार्केट है, मुसलमानों की इक्का दुक्का दुकानें किराए पर है। हाँ, उन्होंने प्रयास किया था बोलने का, क्योंकि उनका जो इस्लामिक एजेंडा है उसको थोपने का प्रयास वो हर जगह करते हैं। वो अगर आपके 100 के बीच में बैठेंगे तो भी अपनी मानसिकता दिखाएंगे जरूर, लेकिन उनको किसी प्रकार की उनकी सुनवाई नहीं है। क्योंकि देखिए जब हम देवभूमि की संस्कृति की रक्षा के लिए बात करते हैं, देवभूमि के मान बिंदुओं की बात करते हैं, तो भगवान सर्वप्रथम है और भगवान तेज है, सूर्य का ओजस्व है कोई। और वैसे भी देखिएगा जो इस समय माहौल चल रहा है हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं, तो हरे को अंततः भगवा होना ही है, हर हरे को। अभी आपने खुद ही बोला है कि जो तिरंगा है उसमें भी जो है हरा रंग है। नहीं, हरा है लेकिन सबसे प्राथमिकता में केसरिया है, बलिदान का प्रतीक है। तो ठीक है, व्यापारी के हित की बात करने की बात करेंगे और इस देवभूमि की पवित्रता और मान बिंदुओं की बात करेंगे तो केसरिया अच्छा है, सुंदर कलर है, अट्रैक्ट कर रहा है लोगों के अंदर, एकदम उत्साह है, लोग देखते हैं तो लोगों के अंदर एक भाव जागृत होता है कि राम राज्य की स्थापना हो गई। तो जब उनके मन में भाव उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं उस भाव को उत्पन्न करने में ये रंग का बहुत महत्वपूर्ण वो है कि इसके कारण ही लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न होता है। इसी के साथ ये जो लेटर्स है जो इस्तेमाल किए गए वो हिंदी में, जो नाम है वो शुद्ध हिंदी में, तो अगर बाहर से फॉरनर्स आते हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं व्यापारियों का नुकसान नहीं है कि वो दुकान का नाम नहीं समझ पाएंगे? देखिए जब फॉरनर बाजार में आता है ना, अब वो बात ही नहीं, पल्टन बाजार में आने वाला हर व्यक्ति बाजार में देखिए डमीज लगी हुई है, अंदर देखने से प्रतीत हो जाता है कि क्या बिक रहा है, तो इसमें कोई संशय का विषय नहीं है। और देखिए भारतीय जो हमारी देवनागरी भाषा है और इस तरह की हिंदी भाषा है, कम से कम उसको प्राथमिकता तो कम से कम उत्तराखंड में तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जब देवताओं की ये नगरी है, वैसे तो यहाँ संस्कृत का परिवेश है सारा, लेकिन संस्कृत में देखिए हम लोग सब उच्चारण भी नहीं कर पाते और पढ़ भी नहीं पाते, तो कम से कम हिंदी का तो चयन बहुत अच्छा रहा और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, इसमें किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए और सबके लिए सहमति से ये काम हुआ है और बाजार के व्यापारी खुश है। और जिस दिन से भगवान रंग हुआ है काम बढ़ गया है, मैं आपको बताऊँ, अब वो मानसिकता से हुआ हो या किस प्रकार से लोगों का रुझान बढ़ा है इस रंग को देखने के लिए लोगों के अंदर आ रहे हैं। और आपने देखा होगा एक सेलिब्रिटी के द्वारा भी इस वीडियो को शेयर किया गया अपने, तो बहुत अच्छा रहा, सुंदर है।